वहीं भोपाल में सिंधिया का शक्ति प्रदर्शन देखा गया। 40 गाड़ियों के काफिले के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम हाउस पहुंचे और सीएम शिवराज से मुलाकात की। इमरती देवी, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर भी उनके साथ थे। प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया भी उनके साथ थे। ये सभी सीएम आवास पहुंचे। एक बार फिर नाम बताते हैं आपको कौन कौन उनके साथ उनके काफिले में मौजूद था। तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिसोदिया, ओपीएस भदौरिया, हरदीप सिंह डंग, मुन्नालाल गोयल, जजपाल सिंह जज्जी, एंदल सिंह कंसाना, सरताज सिंह, गिरिराज दंडौतिया, गिरीश शर्मा, कृष्णा गाड़गे। एक बड़ा जो कहा जा सकता है काफिला उनके साथ में था और सभी दिग्गज उनके साथ में शामिल थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात उन्होंने की है और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उन लोगों को एडजस्ट भी यहां पर किया जा रहा है जो चुनाव हार गए थे। समर्थकों का सैलाब, पुष्प वर्षा वहां पर हुई अपने मंत्री अपने नेता के लिए बात करते हुए नजर आए। और बीजेपी के वो दिग्गज इसमें मौजूद थे इस बैठक में जो फैसले लेते हैं प्रदेश स्तर पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, वीडी शर्मा मौजूद थे, सिंधिया मौजूद थे। तो कौन कौन बैठक में मौजूद रहा ये हम आपको बता रहे हैं क्योंकि जब 40 गाड़ियों का काफिला गया तो उसमें जाहिर तौर पर वो सभी लोग होंगे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, कांग्रेस छोड़कर जो बीजेपी में शामिल हुए उनके साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंधिया जी, पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रदेश के उस अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए काम करने के लिए कार्ययोजना और कार्ययोजना का क्रियान्वयन करने के लिए समय समय पर बैठते हैं और उसी ही क्रम में आज बैठे हैं। और निश्चित रूप से हमें ये विश्वास है कि इनके कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की रफ्तार दिन प्रतिदिन तेज होगी।